हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेटर कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर द क्लास 10th सेशन 2020-21 को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 20 तक आ चुके हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि डिफाइन द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और प्लेगरिज्म। इन दोनों को बच्चों मैं काफ़ी डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा और एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है वो क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगल राइट्स दैट प्रोवाइड क्रिएटर्स प्रोटेक्शन फॉर ओरिजिनल वर्क। इन्वेंशंस आर द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, आर्टिस्टिक वर्क, साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड सो ऑन। तो बच्चों जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग बौद्धिक संपदा अधिकार। एक कानूनी अधिकार है कि जो व्यक्ति किसी, मान लीजिए किसी ने किसी पोयम को लिखा, किसी ने किसी प्रोग्रामिंग को क्रिएट किया, कोई भी इन्वेंट किया, तो उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। कोई दूसरा आदमी, कोई थर्ड पार्टी उसको उसका कॉपी करके या उसको अपने नाम से यूज करके उसको बेच नहीं सकता। तो यह अधिकार बहुत आवश्यक है, नहीं तो कोई आदमी क्यों इतना मेहनत करके कोई नया चीज़ बनाएगा। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ और बाकी लोग जो भी काम करते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये होता है। देयर आर फोर टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के चार प्रकार हैं। फर्स्ट है पेटेंट्स, सेकेंड ट्रेडमार्क्स, कॉपी राइट्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स। तो पेटेंट्स क्या होता है बच्चों, मालूम होगा आप लोगों को, किसी ने किसी चीज़ को इन्वेंट किया तो उसके नाम से वो पेटेंट करवा लेता है। तो पेटेंट करवाने से उसको हमेशा रॉयल्टी मिलती रहती है, उसी ट्रेडमार्क है और कॉपीराइट और ट्रेड सीक्रेट्स हैं। तो आशा करता हूँ ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लेगरिज्म। ये क्या होता है कि किसी दूसरे के बनाए हुए चीज़ को, किसी दूसरे के इन्वेंट किए हुए चीज़ को बिना उससे इजाज़त लिए, बिना उसको बताए या बिना क्रेडिट दिए चुरा लेना। तो टू स्टील एंड पास ऑफ द आइडियाज आर वर्ड्स ऑफ अनदर एज वंस ओन, मैंने किसी दूसरे के आइडियाज को, शब्दों को चुरा लेना या किसी दूसरे को दे देना जैसे कि वो आपका हो। टू यूज अनदर्स प्रोडक्शंस विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स, किसी दूसरे के प्रोडक्शन को, कोई चीज़ दूसरा बनाया हुआ है जिसने ने प्रोड्यूस किया है, उसको क्रेडिट दिए बिना उसको यूज करना। टू कमिट लिटरली थेफ्ट, किसी के लिखे हुए चीज़ों को चुरा लेना। टू प्रेजेंट एज अ न्यू एंड ओरिजिनल एन आइडिया आर प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्राम एन एग्जिस्टिंग सोर्स, और कोई चीज़ कहीं से आपने देखा है, सीखा है, समझा है, उसको आप अपने आइडिया के रूप में, अपने प्रोडक्ट के रूप में, उसको ओरिजिनल प्रोडक्ट के रूप में आप बता रहे हैं। तो इस सब का जो शॉर्ट नेम है वो है प्लेगरिज्म, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि दूसरे की चीज़ को बिना उसकी इजाज़त के, बिना उसके परमिशन के, बिना उसके जानकारी के चुरा के अपने जैसा दिखाना। तो आशा करता हूँ बच्चों ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है और प्लेगरिज्म है काफ़ी डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।